आज हम पिशावर हाई कोर्ट में और खुर्मशीद दीशान में और हमारे जो जनरल सीट के कैंडिडेट हैं खुर्म दीशान साहब, जो हमारे सेनेट के कैंडिडेट हैं जिनके कागजात नामजदगी बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायात को हमारे खिलाफ कायम रखते हुए मुस्तरद किए, उनकी शदीद मुजम्मत करते हैं, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मुजम्मत करता है कि जो सेनेटर तमाम बड़ी कमेटियों में उसने कानूनी पेचीदगियाँ CCLC जैसी कमेटी, जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी जो अपॉइंट करती है उसका मेंबर हेड होने के, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकरार जो कमेटी करती है, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो तकरार करता है उस कमेटी का मेंबर, उसके अगर कागजात नामजदगी टेक्नोक्रेट वो नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर सिगरेट बेचने वाले, घी का कारोबार करने, नाजायज़ कारोबार करने वाले, ज़मीनों का गैर कानूनी सोसाइटियों का कारोबार करने वाले, वो फिर सेनेट की जीनत होंगे और वो आवाम के मसाइल को उजागर करेंगे, वो ईमानदार होंगे। तो उस लिहाज से मुझे टेक्नोक्रेट की सीट पे भी और जनरल सीट के ऊपर भी मेरे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए। खुर्रम ज़ीशान यूथ की पहचान है, पाकिस्तान में उभरता हुआ सितारा है, इमरान खान के हम दोनों सपाही हैं, उस कसूर में कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमारे कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल से हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इंशाल्लाह फैसला होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमने अपनी अपीलें जो है वो फाइल कर दी हैं और जैसे ट्रिब्यूनल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बैठेगा, हम अपने वकला के साथ कानून आईन के मुताबिक अपना मुकदमा पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत जो है वो हक की होगी। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं अभी देख लें, इस डिगर तक पहुँच चुके हैं, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तियारी के तहत चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर, उसकी काबीना और उसका स्पीकर और उसकी पूरी असम्बली बाख्तियार है कि गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इजलास बुलाया है क्या वो कानूनी और आइनी है। एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर जो है कोई बहस करूं, इसलिए कि ये मेरे दारे इख्तियार से तजावज़ कर जाएगा और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने काबीना का इजलास जो है बुला लिया है और ज़ाहिर है कि मुशावरत होगी, जो कानूनदान हैं जो आइन के रूह रवा हैं और उसके बाद इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे। ये बताएं, एक तो दरअसल मैं तो 19 साल से हूँ, शायद एक आध और सेनेटर होगा जो मुझसे ज्यादा, जिस तरह रजा रबानी शायद होगा और एक आध दूसरे होंगे, तो मैं सबसे सीनियर लेजिस्लेशन के अंदर भी और पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, लेकिन वही है कि चूंकि इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और उसके मुस्तकबिल के साथ खड़ा हूँ, उसकी सज़ा जो है ज़ाहिर है कि हमें भुगतनी पड़ेगी और मैं तो चाहता था, मैंने तो बाकायदा तौर पर खान साहब चूँकि असेसेबल नहीं, मैंने पैगाम दिया था कि जब आप जेल के अंदर हैं पार्लियामेंट से बाहर हैं तो आज़म स्वाति को क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट में जाने की, लेकिन दोस्तों के इसरार के ऊपर जो है फिर मैंने अपने कागजात नामजदगी जो है दाखिल की है और उसका जो हशर हुआ आपके सामने है।
औरम भाई आप बताएं आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की किस जिले से है, ये किसी हमारे सूबे का हक नहीं था कि वो सेनेटर खड़ा हो जाता और मुंतखब हो जाता। मेरा ताल्लुक कोहाट से है, कोहाट में ही मेरी पैदाइश है, यहीं पे मेरी परवरिश है और कोहाट से मेरा जो है तो आबाई ताल्लुक है अभी का नहीं। सेनेटर साहब ये बताइए कि आपने जो कागजात जमा किए थे वो सुनी इतिहाद कौन से लिए थे या पीटीए के? नहीं देखिए हमने आज़ाद ऐसे सारे जो है वो जो केपीके के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने कहा आज़ाद पीटीआई के उम्मीदवारों ने किए आज़ाद हैसियत से किए हैं। एक तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंबल वगैरह का मसला नहीं है। दूसरा का आज़ाद इसलिए ना उन्होंने किया है कि उन्होंने एक एफिडेविट जो हमने फाइल किया था उसका एक हिस्सा जो उनकी मर्जी का था वो ले लिया, दूसरा ऐसा छोड़ दिया, आधा तीतर और आधा बटेर, तो इंशाल्लाह ताला वो खुद बखुद उड़ जाएगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि आप का जो वोकेशनल एक्सपीरियंस है अब काफ़ी नहीं है। जितने एक्ट मैंने बनाए वो पास किए, पार्लिमानी उमूर का वज़ीर 75-76 साल पाकिस्तान की उम्र में 30 या 40 आदमी रहे हैं। मुझे अपनी सताइश नहीं करनी चाहिए लेकिन सबसे पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जिसके पास डॉक्टर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस अमेरिका की डिग्री है, एलएलएम के सारे कोर्सेज मैंने पास किए हैं, एलएलबी के अंदर जो है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उस वक़्त से हूँ कि और फिर ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस तकरीबन इस वक्त मौजूद हैं उनका मैंने इंटरव्यू लिया है। उसी पार्लिमानी जो हमारा पार्लिमेंट्री हमारी कमेटी होती है नेशनल असम्बली और सेनेट के ऊपर उसका मैं मेंबर और चेयरमैन रहा हूँ, मेरे साइन लास्ट साइन है जिसकी वजह से बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हूँ। और उसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ तो मैं समझता हूं कि फिर ये इलेक्शन कमीशन की सरासर ज़्यादती जुल्म जबर इफ्तिदाल और बेवकूफ़ी है जिसको आया इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मीडिया वक्त वक्त के साथ कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, इखलाकी जुल्म हो रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे जितने मजालम ढाए गए, इखलाकी गिरावट का जो नक्शा पाकिस्तान में हमारी रवायात के ख़िलाफ़ पेश किया गया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी मज़म्मत करता है। और इंशाल्लाह ताला हमारा कायद जो मुस्लिम उम्मा का कायद है खुदा के फजल से अपने फरसूदा जेली केसेस से आज़ाद होकर इन्हीं अदालतों से खुदा के फजल से बाहर आएगा और फिर अपने मुल्क पाकिस्तान अपने नौजवानों की अपनी बेटियों की बच्चों की पोतियों की नवासियों की तर्जुमानी खुदा के फजल से करेगा। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा लीडर आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल पे हुकूमत कर रहा है, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सब क्या कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस में बयान किया है कि कोई साइफर रिश्ता की बात नहीं, कोई दबाव नहीं है, सब नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप लोग? एक झूठ जो है उसको आश्कारा करने के लिए आखिर वो भी मकरू चेहरा सामने आ गया है, डोनाल्ड लू जो है मकरू चेहरा सामने आ गया है। अगर पाकिस्तान में साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान के जमहूरी माशी इदारों में इस्तेकाम होता, इदारे आगे बढ़ते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम होता और सारे इदारे अपने दायरे अख्तियार के अंदर जो है काम करते, लेकिन वो सारा कुछ उसी साजिश के तहत जो हुआ और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अल्लाह करे मेरा पाकिस्तान बच जाए, उसके अंदर खुशहाली हो, उसके अंदर अमन हो, माशी इस्तेकाम आए। आईएमएफ हमारे दुखों का मदावा नहीं है बल्कि हमने अपने आप खुद खड़ा होना है और एक खुद मुख्तियार मुल्क की हैसियत से 24 करोड़ लोगों के सर दुनिया के अंदर हमने ऊपर उठाने।